अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडिया स्टिचिंग मास्टर स्टिचिंग कोर्स की 25 क्लास में आपको देने जा रही हूँ, जिस क्लास में मैं आपको ट्राउज़र का एक ऐसा डिफरेंट स्टाइल बता रही हूँ जिसको कहा जाता है बेल बॉटम। बेल बॉटम का एक प्रॉपर मेथड जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि अब हम मास्टर क्लास में हैं तो इसलिए अब हम चीज़ों को भी मास्टर चीज़ों को लेकर चलेंगे। बेल बॉटम का शौक बहुत सारी लड़कियों को है, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज दिन तक किसी भी लड़की ने, बहुत कम एक दो लड़कियों ने शायद प्रॉपर पहना हो या जो असली कटिंग है वो कटिंग की भी हो, वरना बहुत सारे दर्जियों को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता। बेल बॉटम की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत आसान है, लेकिन बस इसको किस तरह से आपने काटना है। अगर आप इस तरीके से काट लेते हैं तो आपका बेल बॉटम बहुत खूबसूरत तैयार होगा। चलते हैं कटिंग की तरफ। इससे पहले जो बेसिक कोर्स है, जिसने नहीं देखा वो जाएं और स्क्रीन पर लिस्ट भी आपको नीचे नज़र आ रही होगी, इसकी अलग प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल को विज़िट करें, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको बेल बॉटम कटिंग कैसी लगी और इसको फिर आपने जब ट्राई किया तो आपको कैसा फील हुआ। चलते हैं फिर बेल बॉटम कटिंग की तरफ। साइज़ में लूँगी मीडियम, मैंने मतलब मीडियम साइज़ को इसलिए प्रेफर किया है कि मीडियम साइज़ के लोग ज़्यादा हैं, मीडियम साइज़ पहनने वाले ज़्यादा हैं, लार्ज भी होंगे ज़्यादातर, स्मॉल बहुत कम होते हैं, लेकिन मीडियम बहुत पहना जाता है। मीडियम साइज़ आप अगर किसी ब्रांडेड शॉप पर भी जाते हैं तो मीडियम साइज़ बहुत सेल होने वाला है। ट्राउज़र के कपड़े को मैंने उसी तरह से प्रेस करके ऑलरेडी रख लिया है, ये टू फोल्ड में इसको मैंने प्रेस किया है, देन मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर रख रही हूँ। इसमें काफ़ी कुछ कॉमन है जो मैंने ट्राउज़र की कटिंग आपको पीछे अपनी वीडियो में ड्रॉ करके भी बताई है, कटिंग एंड स्टिचिंग करके भी बताई है, तो वो उस आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो वीडियो देखें और फिर आप बेल बॉटम को बहुत इजीली समझ सकेंगे। अभी मैंने वही मेथड यूज़ किया, 2.5 इंच का ये निशान लगाया है जो कि इलास्टिक के लिए है। अगले कपड़े को मैंने इस 2.5 इंच के निशान पर ही रखना है। फ्रंट, इसमें भी फ्रंट एंड बैक बड़ी छोटी ही आती है। आपने अगर ये ट्राउज़र किसी फीमेल टेलर से बनवाया है तो यकीनन उसने भी इतनी अच्छी शेप वाला ट्राउज़र नहीं बनाया होगा, और दर्जी यहाँ काफ़ी सारे दर्जी हैं जिनसे मेरा वास्ता पड़ा था, उनको भी बेल बॉटम बनाना नहीं आता। ये तरीका इतना अच्छा है कि इसके बाद जब मैंने बेल बॉटम बनाना शुरू किया तो बहुत पसंद किया, कस्टमर्स ने बहुत पसंद किया, और पहन के भी बहुत मज़ा आता था। 2.5 इंच का ही फ्रंट पे भी निशान ले रही हूँ जो कि इलास्टिक है। अब इसके बाद हम अपने साइजेस निकालते हैं। साइज़ जो मैं रखने लगी हूँ इसका मीडियम साइज़ ही हम बना रहे हैं, तो साइज़ मैंने लिया है 36 इंच, 36 इंच इसकी लेंथ ली है मैंने। हिप लाइन जो मैं ले रही हूँ 12 इंच ले रही हूँ। फिर कह रही हूँ जिन्होंने पिछली ट्राउज़र की वीडियो नहीं देखी वो जाकर वो देखें, और जिन्होंने देखी है उनको अंदाज़ा होगा कि ये साइज़ वही हैं, बस हमने इसको शेप देनी है बेल बॉटम वाली। 12 इंच साइज़ ले लिया मैंने ऊपर से जहाँ पे इलास्टिक डलेगी। आसन का साइज़ ले रही हूँ मैं 13 इंच, क्रॉच साइज़, थाइज हम ले लेंगे इसकी 13.5 इंच। साइज़ सेम वही है, वही साइज़ है, मीडियम साइज़ है। जो लोग मीडियम हैं वो बेल बॉटम इसी साइज़ पर बनाएंगे तो उनका परफेक्ट बनेगा। इसको भी हमने अब इसका जो दरमियान की लाइन है इस पर भी लगानी है। तरीका वही है सारा, आपने जस्ट इसकी दोनों तरफ से शेप करनी होती है जो बेल बॉटम वाली होती है। अगर आप इसकी शेप सिर्फ एक साइड से यूं करके निकाल लेते हैं, लोग इसी तरह स्टिच करते हैं, तो वो आपका ट्राउज़र अच्छा स्टिच नहीं होता। इसको भी हमें दोनों साइड से शेप देनी पड़ती है। उसके बाद हमने घुटने का साइज़ लेना है, 15 इंच ले रही हूँ जो ऊपर जहाँ पे घुटने का निशान लगेगा। अच्छा, अब
बेल बॉटम ये में ये होता है कि कुछ लोगों की चॉइस होती है कि वो घुटने से भी लूज रखना चाहते हैं, उनकी मर्जी होती है कि घुटने से भी लूज हो। वैसे बेल बॉटम अगर बहुत टाइट आप सिलाई करेंगे तो वो घुटने से टाइट होगा, अच्छा वो भी लगता है, पर ज़्यादा जो यूज़ होता है वो लूज में होता है। घुटने से जो बेल बॉटम का मैं साइज रख रही हूँ, अब कुछ लोगों को लूज चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया जैसे कुछ लोगों को बेल बॉटम लूज चाहिए होता है, अगर किसी ने लूज पहनना है तो वो 10 इंच पे रख सकता है, यानी कि 5 इंच उधर से कर लिया, 5 इधर से कर लिया। लेकिन मैं मीडियम साइज आपको बता रही हूँ, मैं ट्राउज़र का ही साइज रखूँगी, मैंने रखना है 9 इंच, मैं रख रही हूँ 9 इंच। 9 इंच आपके लिए बेस्ट है, जो लोग मीडियम हैं, जो लोग मीडियम हैं उनके लिए ये 9 इंच का निशान है, ये बेस्ट है। ये जो 10 इंच वाला निशान है ये उन लोगों के लिए है जिनके अक्सर कुछ लोगों के, कुछ लड़कियों के घुटने भी थोड़े हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, और घुटनों के ऊपर से उनकी थाई भी थोड़ी सी हेल्दी होती है, उन्हें आता मीडियम साइज़ ही है, ये उन लोगों के लिए। और अगर आपने यहाँ से 10 इंच रखा है तो पांचा आपको 12 रखना पड़ेगा। वैसे बेल बॉटम का जो बेसिक पांचा रखते हैं वो 11 रखते हैं, वो इनफ होता है, वो फिर आपकी चॉइस है आप उसको कितना मज़ीद बेल बॉटम पर लेकर जाते हैं, कितनी उसकी नीचे से बेल बनाते हैं, कितनी शेप देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी तो मैं 11 इंच का ही पांचा आपको बता रही हूँ, 11 इंच रखा है मैंने। अभी जो बेसिक पांचा होता है बेल का, बेल बॉटम का, वो होता है 11 इंच। 11 इंच पे मैं तैयार करती हूँ कस्टमर्स के भी, और यही 11 इंच वाला पांचा ही खूबसूरत लगता है। तो ये 11 इंच का मैंने निशान लगाया है, 5.5 इंच इधर से, 5.5 इंच इधर से, ये आ गया 11 इंच। अच्छा, नीचे आपने जितना फोल्ड करना है वो कपड़ा भी आप ले लें, उसके साथ से फिर आपने शेप देनी होती है। 3 इंच कपड़ा ले रही हूँ जो कि ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, अब यहाँ से आपने घुटने के साथ इस निशान को अटैच करना है। घुटने के साथ अटैच करने के बाद आपने यहाँ से बिल्कुल तिरछा निशान नहीं लगाना होता है, यहाँ से आप थोड़ा सा राउंड आके फिर यहाँ पे जुड़ते हो। ये चीज़ शेप आपको फील हो रही होगी, यहाँ से भी अब आपने ये रखना है, अंदर वाली जो सिलाई है उसको भी आप जोड़ लें, और फिर आपने राउंड में यहाँ पे अटैच करना है, आसन के साथ राउंड में अटैच करना है। ये तो आपको पता है कि यहाँ से हमने आर्म होल जैसी ही कटिंग बनानी होती है। अब आप ये देखें कि ट्रेस में ही इसकी शेप कितनी अच्छी आई है, और जब ये कटिंग होगा, स्टिचिंग होगा, तो सोचें ये कितना खूबसूरत लगता है। ऐसा बेल बॉटम कोई भी नहीं सिलाई करता, मतलब बहुत बड़े दर्जी या डिज़ाइनर्स ब्रांड वाले कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो दर्जी बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि बेल बॉटम भी इसी तरह तैयार होता है। इस साइड से हमने फ्रंट बैक मतलब चारों कपड़े काट लेने हैं, बड़ा हमने वहीं से रखना है, इसलिए सबसे पहले आप फ्रंट की कटिंग कर लें। अब आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने कटिंग कहाँ से करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपको अंदाज़ा हो जाता है तो आपने बस एक अंदाजे के मुताबिक साइड से कटिंग रखनी होती है। इन ट्राउज़र्स की जितनी भी इकसाम हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं छोड़ सकते। पांचा भी फ्रंट बैक में दोनों कट कर रही हूँ। अब यहाँ से आपने सिर्फ फ्रंट के दो कपड़े उठाने हैं, सिर्फ फ्रंट के दो कपड़े उठाकर ये वाली कटिंग करनी है। ये आ गया हमारा फ्रंट। ऊपर जो इलास्टिक वाली जगह है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जस्ट यहाँ से 2.5 इंच चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने जो तिरछी कटिंग करनी है वो अगले निशान तक ऐसे कटिंग नहीं करनी, ये आपका रॉन्ग वे है। आपका फ्रंट भी कट गया, आपका ट्राउज़र अच्छा स्टिच नहीं होगा। आप ये देखें कि आपने सिर्फ जो 2.5 इंच बैक को बड़ा रखा है आपने सिर्फ वहाँ से शेप देनी है।
सिर्फ आपको वहाँ से शेप देनी है और बहुत ज़्यादा देखें तिरछी भी नहीं हो रही। ये फ्री हैंड के साथ मैंने ये राउंड किया है, ये आप देखें। इस तरह के निशान आप लगाएंगी तो आपको लास्टिक डालने में भी मसला नहीं होगा। यहाँ से भी वही मेथड है कि आपने ढाई ढाई इंच रखना है, बस यहाँ से थोड़ा सा नीचे से आपने ढाई रख के, मैंने बताया हुआ भी है आपको ट्राउज़र में भी, उसके बाद आप दो दो इंच पे चले जाएं। ट्राउज़र कटिंग हो चुका है, अब यहाँ पर आपने जो स्टिचिंग करनी है ट्राउज़र की बेल बॉटम की, वो आप स्क्रीन पर देखें कि नीचे आपको ट्राउज़र स्टिचिंग की जो वीडियो है उसको आप देखें। इसकी भी स्टिचिंग सेम वैसी है, बस इसमें शेप की बात है जो मैंने आपको बता दी है। स्टिचिंग सेम ट्राउज़र जैसी है, स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा आपको, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आप वही वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख लें। स्टिचिंग इसकी बिल्कुल वैसी है, इलास्टिक डालने का तरीका भी वैसे ही है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आपने सबसे पहले जो ये छोटे फ्रंट वाले कपड़े होते हैं इनकी आसन जोड़ लेनी होती है, फिर बैक की भी आसन आपने जोड़ लेनी है, फिर इनको आप खोल के जब रखते हैं तो साइड की सिलाइयाँ लगती हैं। अब जबकि हमने इन निशानों के साथ साथ कटिंग कर दी है तो इसीलिए हमारी सिलाई की शेप भी यही आएगी। फिर आपने ये वाली अंदर की सिलाई लगानी है जो दरमियान वाली सिलाई होती है, और उसके बाद पांचा फोल्ड करना है, तभी नीट फोल्ड होता है। अभी मैं इस ट्राउज़र को स्टिच करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी प्रेसिंग और शेप के बारे में बताती हूँ। बेल बॉटम ट्राउज़र हमारा हो चुका है रेडी। इसकी सिलाई जो है बिल्कुल सिंपल उसी तरह से है जैसा मैंने आपको ट्राउज़र की सिलाई पिछली वीडियोज़ में बताई हुई है। प्रेसिंग भी इसकी उसी तरह से है, ये देखें हमें दो सिलाइयों को इकट्ठा करके ये इसका बनाना पड़ता है फ्रंट की क्रीज़। इसकी इस्त्री भी मैंने वैसे ही की है, इलास्टिक मैंने इसमें नहीं डाली है। इलास्टिक का तरीका भी सेम वही है जो मैंने आपको उस बेल्ट पे बताया, उस ट्राउज़र पे बताया था, सेम वही तरीका है। ट्राउज़र की शेप बहुत खूबसूरत आई है, जब आप इसको वेयर करेंगे, जब आप इसको पहनेंगी, जब आप इसको इसी मेथड पर स्टिच करेंगी तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पहन के कितना ग्रेसफुल लग रहा है। ओके जी, खुदा हाफिज़। आप भी ट्राई करें बेल बॉटम को और वेयर करें। आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दी में बेल बॉटम बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।